सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साहू जी और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्त, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं हमारे चैनल साहू जी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक रेलवे ग्रुप डी के बारे में बता रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम दिए तो आपका इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि दोस्तों एग्ज़ाम आप दिए थे तो उसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आंसर की बहुत पहले जारी कर दिया जा चुका था लेकिन कट ऑफ नहीं आया था। तो बता दें दोस्तों, आज 4 तारीख है और आज का डेट में आज का कट ऑफ निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 3 बजे आपको कट ऑफ जारी कर दी जा चुकी है। इसके लिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि बहुत सारा फर्जी लोग बता रहे थे कि रिजल्ट निकल गया था, आप निकलने वाला, लेकिन ऑफिशियल के थ्रू कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि क्या अप टू डेट बता रही है। सो चलिए दोस्तों, कोई भी आप रीजनल ऑफिस में चुन लीजिए, उसमें क्या नोटिस बोर्ड में लिखा गया था वो मैं दिखाऊंगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे CN 2 2018 में आप एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट PET। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के लिए, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मैं रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और PET के लिए कब से फॉर्म, फिजिकल टेस्ट के लिए आप कब से फॉर्म भरिएगा, कब क्या लास्ट डेट है, उसका पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है। बताते हैं दोस्तों कि रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट 3 बजे, आज 3 बजे जारी होगा। चलिए दोस्तों, नोटिस बोर्ड में क्या लिखा पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो यहाँ से मैं आप डाउनलोड कर ले रहा हूँ, डाउनलोड करने के बाद मैं इसको खोल ले रहा हूँ, दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप डाउनलोड किया मैं वो है। क्या लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट जो आपको CBT दिए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दिए थे, उसको पास होने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है। और इसमें आपका जो रिजल्ट जो आज डिक्लेयर किया जाएगा उसमें आपको कटअप देखना होगा। आप उस कटअप के अंतर्गत आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा PET के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट टू PET बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम देते हैं उसी के आधार पर आपका PET आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17-9-18, यानी कि 17 सितंबर 2018 से 20 लेकर के 17 दिसंबर 2018 के बीच में जो एग्जाम हुआ था ना CBT वाला, ठीक है, उसी के परफॉर्मेंस के आधार पर PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शेड्यूल बी डिक्लेयर आफ्टर 15 आवर्स ऑन 4/3/19, यानी कि 4 मार्च 2019 को 15 आवर्स, मतलब कि 15 बजे, यानी कि 3 बजे के आसपास में, 3 PM शाम में 3 बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। कैंडिडेट कैन बी व्यू देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क एंड शॉर्टलिस्ट स्टेटस ऑफ द PET बाय द लॉगिन योर थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, जैसे PET का रजिस्ट्रेशन आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ गया है, तो यदि उसका आपका मार्क्स है तो आप PET का जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी आप रीजनल में भरेंगे उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आपको वहाँ से आपको भरना होगा। एंट्रिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन डेथ मंथ और ईयर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना होगा और पासवर्ड के रूप में आपका डेट ऑफ मंथ, ठीक है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको इसको आपको फिलअप करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका रिजल्ट 15 बजे, यानी कि 3 बजे, 4 तारीख, यानी आज का डेट में 3 बजे आप रेडी रहिए, आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि PET को कैसे भरें तो उसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको फिलअप करेंगे। तो थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ, बैक में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, क्लिक हेयर टू लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देख रहे हो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऊपर में, ठीक है। तो क्लिक हेयर करते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सारा अपडेट यहाँ पे आपको बता दे रहा है पूरा साफ साफ। ऑफरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन 4/3/2019 10 आवर्स 10 बजे से, क्लोजिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2/4/2019, क्लोजिंग द ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट, क्लोजिंग द ऑनलाइन पेमेंट, क्लोजिंग ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
यदि आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर रिजल्ट में आपको शॉर्टलिस्ट आ गया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ करके ऑप्शन देख रहा है ऊपर का दोस्तों, आप यहाँ पर जाइएगा, लिखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने क्लिक करने के बाद आपको सारा जो भी रीजनल ऑफिस है वो आपको यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। जिस भी रीजनल ऑफिस में आप आते होंगे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अजमेर माता है तो अजमेर में क्लिक करेंगे, कोई चेन्नई भरे तो चेन्नई में करेंगे, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम अपना एक रीजनल ऑफिस में भरा था तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कम्युनिकेटी, आपके क्या कम्युनिकेटी क्या है, आप कौन कास्ट क्या है, तो हम आते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में सेलेक्ट कर लिया। और नीचे ऑप्शन में बोल रहा है कि आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आप यदि नो आते हैं तो नीचे ऑप्शन आपका आता है नो, तो नो में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नो में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस विच यूर अप्लाइंग, मतलब क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप चूज कीजिए आपको कि किस बेसिस पर अप्लाई किए थे आप, ट्वेल्थ पास है या ट्वेल्थ पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको जो भी वैकेंसी जो भी आप रिक्वायरमेंट हो जिसके लिए आपका क्वालिफाई करेंगे उसके लिए आपको दिया जाएगा, पीईटी के लिए लिया जाएगा, हर पीईटी के लिए अलग अलग है। तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है तो आप उसके आधार पर यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल्स पर दिया हुआ, ट्वेल्थ करते हैं लिखा हुआ 10+2 साइंस विथ प्लस सर्टिफिकेट कोर्सेज इन मेडिकल लैब, आप किए होंगे तो मेडिकल लैब यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यदि 10+2 डिप्लोमा के अंदर डिप्लोमा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है ना, तो क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आपको जो भी पोस्ट है आपके लिए अवेलेबल होगा उसी पर आपको पीईटी लिया जाएगा, ठीक है। आप जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आता है क्लिक अवेलेबल, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन मैंने भरिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, यानी क्या चेक अवेलेबल, यानी कि आपको अवेलेबल क्या क्या सीट है, कौन कौन से रीजनल ऑफिस में ये आपको अवेलेबल है वो भी चीज़ दिखा रहे। जैसे मान लीजिए हम आपके यहाँ साइंस ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, अभी तो डिप्लोमा रेडियो टेक्नोलॉजी से किए हैं, या फिर कुछ और मान लीजिए चूज कर लेते हैं आप, चलिए प्लस टू हम चूज कर लेते हैं, 10+2 किए हैं, ग्रेजुएशन विथ साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। तो क्या दिखाती है, चेक अवेलेबल में देखते हैं तो दिखा रहा है कि दोस्तों कि दिस वैकेंसी टेबल इज पर द सिलेक्टेड क्वालिफिकेशन ये अवेलेबल, देखिए नीचे देखिए दोस्तों दिखा रहा है, ये जो हम डाले थे ऊपर में जो पोस्ट, ठीक है, उस पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ रीजनल ऑफिस में कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं ऊपर डिटेल्स यहाँ पर नीचे दिखा रही है। अजमेर में 14 है, अहमदाबाद में 14 भी है, बंगलोर में 14 है, भोपाल में भी 14 है, ठीक है। किस किस कैंडिडेट के लिए है तो कहाँ भी है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए चाहते हैं आप अजमेर में अप्लाई करना चाहते हैं, 14 सीट है, सब जगह 40-40 सीट है, 14-14, ठीक है। तो आप वहाँ से मान लीजिए आपका क्वालिफिकेशन कुछ और है, ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए 10+2 किए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफिक्स किए हैं, या फिर 10+2 साइंस इन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब से किए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक तो अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई करने के बाद क्या नीचे देता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का सा ऑप्शन आ रहा है, हम अहमदाबाद में चेक कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या फॉर्मेट दिया गया है। तो यहाँ ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो थ्रू बिफोर यू अप्लाई, मैंने कि तो अप्लाई करने से पहले कुछ कुछ कंडीशन है वो सब क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर हम पढ़ लिए हैं उसका वेरिफिकेशन है। बता दें दोस्तों कि पीटी के लिए यहाँ पर 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन चेंज एनी डिटेल्स मेंशन इन द एप्लीकेशन, ठीक है, और 100 रुपये नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। तो टर्म और कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पर ऑप्शन डाल देंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, रीनेम, आधार नंबर, पूरा डिटेल्स, पीईटी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा डिटेल्स मांग रहा, तो फिलअप आप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा कट ऑफ नहीं आया है तो कट ऑफ से पता नहीं चल कर पाते हैं कर पाएंगे कि अभी मैं हमारा क्वालिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से सबसे फिलअप करके लास्ट में क्या कीजिए, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, ठीक है, उसका पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका पीईटी के लिए आप अप्लाई हो जाइएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और भी इस तरह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।